आपसे आज मैंने कुछ बातें भी करनी है, और वो बातें आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने कौम के हर फर्द तक पहुंचानी है। वो मेरी बातें इस कैमरा के जरिए या इस आवाज के जरिए जो रिकॉर्ड हो रही है, ये जहां तक पहुंचे उनका काम है वो बातें पूरी कौम को जाके समझाएं। हाँ, अब हमने लच्छेदार तकरीरों में आके कश्मीर की तरह मसला भूल नहीं जाना। सिर्फ तकरीरें सुन के कि जनाब फलां जगह तकरीर हो गई, प्रोपोगंडों में हमने नहीं आना। हमने आंखें खोल के रखनी है, जिस तरह हमारे कायद हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत के लिए खोल के गए ना, कि कोई भी मोहब्बत की बात करेगा कयामत तक इस मिंबर पर खड़े होकर या किसी भी मिंबर खड़े होकर, तो सबसे पहले लबैक वालों के हाथ बुलंद होंगे कि ताजदार खत्म नबूवत। हमने तो ये देखना ही नहीं कि ये चेहरा और ये बुत कौन खड़ा है, हमने देखना है कि बात किन की कर रहा है, बात मालकों की हो रही है या नहीं हो रही। जो हो रही है तो हमने ऐसे दोनों हाथ बुलंद कर लेने हैं, और अगर नहीं हो रही तो हमने उसको एक सबक सुनाना है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हम तुझे गैर समझते हैं इसलिए कि तू मेरे आका मौला की बात ही नहीं कर रहा, और जो कोई बात करेगा हम उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। जो अमलन भी करके दिखाएगा कि मैं हुजूर की नामुस के लिए ये अमल कर रहा हूँ, ये मैं अमलन ये चीज कर रहा हूँ, सिर्फ बातों से नहीं बात बनेगी। बातों से उस्ताद साहब फरमाए थे, उन गल्ला नालों काम बड़ा आगे बढ़ गया, हुण करके विखाना पेगा। फरमाते सन एक गल्ला असी काफी देर दे सुनते आ रहे हैं, साढ़े कायद ने सानू हर गल करके विखाई ता सा उन्होंने मनिया ना। कोई एक सूत्र पिछे, कोई एक जनाब बाल बराबर पिछे हटन की गल की हो, बल्कि हर काम नू अगे बढ़ के हजूर की मोहब्बत पेश किया। इस वास्ते असा हुण किसे लच्छेदार तकरीर च और किसे जनाब मुतासर कुन अल्फाज के अंदर आके हजूर की नामूस के उत्ते कोई दूसरी राय नहीं रखनी कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज बड़े दुख दर्द के साथ चंद हकायक आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। इन्हें आपने दिल की खिड़कियाँ खोल के सुनना है, और इसी तरह जैसे आपने सुनना है और जो आपके जज्बातों आपने कौम तक पहुँचाने हैं। अल्फाज मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी आप जब बात करेंगे तो मालिक उसमें असर भी देगा। आपके इलम में है कि हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाएगा 3 माह के अरसा में। लेकिन अफसोस आज तकरीबन 2 माह और 10 दिन से ऊपर वक्त गुजर चुका है, कोई पेशरफ्त हकीकी नज़र नहीं आई, कोई किसी किस्म की पेशरफ्त नज़र नहीं आई। और दूसरी अहम तरीन ये बात है कि मुआहदा में इमरान खान की टीम ने बेहद इसरार किया कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और ये बिल पास कराएंगे। आपने गौर करना है सारी बातों पर कि ये जो ख्वाहिश थी ना, ये इमरान खान साहब की टीम की ख्वाहिश थी कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, लेकिन अभी तक ये बिल पार्लियामेंट में नहीं ले जाया गया। और ये कितने नाइल हैं जिसमें इनकी अक्सरियत है, और पीटीआई कौमी असम्बली में सफीर को मुल्क बदर करने का अभी तक बिल पेश नहीं कर सकी, और अगर ये बिल आ जाता तो इसके बाद सफीर को मुल्क से रवाना किया जाना था। आपको हैरत और अफसोस इससे भी ज़्यादा अगली बात पर यह होगा कि आप इंतहाई परेशान हो जाएंगे और आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी कि अभी तक इमरान खान और उसकी टीम ने वो बिल तैयार ही नहीं किया, यानी कि उसको कागज पर ही नहीं लिखा। आप देख रहे हैं कि ये नामूस रिसालत के मामले में कितने संजीदे हैं। ये मेरा आप तक पैगाम है कि बाद में ये खड़े होकर कोई वक्त आएगा कि आपको समझाएंगे कि जनाब मुल्क का बड़ा नुकसान, और समझाने की वही तकरीरें, वो जो कश्मीर के बारे कश्मीर देकर बाद में कश्मीर के बारे में तकरीरें की ना, इसी तरह की आपको कराएंगे जनाब मईशत ये वो। उससे पहले मैं आपको सारी बातें बताए चलूँ कि आप किसी के धोखे दजल फरेब में ना आ जाए और किसी की बातों में ना आ जाएं, क्योंकि उनके पास बड़े वसाइल हैं, बड़े करो फर हैं और सारे मामलात हैं। कहीं हमारे सादा लो मुसलमानों के दिलों में ये बातें ना डाल दें कि जनाब हम सच्चे हैं, ये गलत राह पर हैं। आपको बता के गए हैं हमारे कायद कि हमारी राह कौन सी है, सबको पता है ना। जिस कौम के वजीर आजम का ये हाल हो कि वो अपनी बात कहकर जो उन्होंने खुद शामिल करवाई उस पर इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे, और इस मुल्क के बसने वाले करोड़ों आशकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात का एहसास न करे बल्कि उनको मजरू करे, और सच्चे आशिक रसूल जिन्हें खुद इन्होंने कहा कि जनाब जो भी था आशिक रसूल वो थे,
इन्होंने खुद कहा है ना अपने मुंह से माना, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कायद मिल्लत इस्लामिया से किए गए वादा से वफा का एहसास ही ना हो फिर कौम ने ऐसे शख्स को ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। बाकी जो मामलात हैं मुल्क के वो हम अभी पसे पुश्त रख रहे हैं। हम आपको एक मुआहदे के ऊपर इनके रवैये बता रहे हैं कि इनके रवैये क्या हैं, ये रवैया कौन सा इख्तियार कर सकते हैं और ये आगे किस मामले में जाएंगे, ये आपको सारी बातें बता दें ताकि कोई जो गैरों की बोली बोले आपको पहले ही पता हो कि ये बातें तो हमारे जहन में थी, हमें बता दिया गया था, ये ना हो आप बाद में कहें कि हम तो बेखबर रह गए। इसलिए मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को और खसूसन पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपको इनके तमाम चालों और फरेबों से पहले बाखबर कर देना चाहते हैं। अगली बात जो मैं आपसे करने लगाऊँ ना वो बड़ी गौर व फिक्र से सुननी है आपने और हर मुसलमान तक ये पैगाम पहुँचाना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो जुल्म किया वो मुआहदा ऐसे ही नहीं तय पाया गया, उसमें 50,000 शैल बरसाए गए, कई लोगों की आंखें ज़ाया हुई, कई की टांगें टूटी और बड़े बड़े नुकसानात हुए। ये मुआहदा कोई आसानी से तय नहीं पाया गया था, ये बल्कि पूरे ज़ोर से आशकान मुस्तफ़ा ने अपने इश्क के ज़ोर पर यह मुआहदा करवाया था, कोई उनकी ख्वाहिश पर नहीं था, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने अपनी ख्वाहिश पर शामिल की उनकी हालात आपके सामने हैं। और अब मीडिया के ज़रिए या कोई और वसाइल इस्तेमाल करके कौम को वरगलाने की कोशिश की जाएगी, कौम अब इंशाल्लाह हुजूर के नाम पर धोखा खाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनके कायदे ने इन्हें सबक सिखा दिया है कि इस नाम पर धोखा नहीं हम खा सकते, इस नाम पर ना धोखा दिया जा सकता है ना धोखा खाया जा सकता है, ये नामे नामी वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि कौम को ये आप कह लें कि दाएँ बाएँ रास्ते देने की कोशिश करेंगे, मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी तस्वीर सामने पेश की जाएगी कि मुआहदा के नुकसानात बताए जाएंगे कि जी ये मुआहदे पर अमल नहीं हो सकता, अगर ये हम अमल करें तो बैनुल अक्वामी जनाब 22 जो मुल्क हैं वो हमारे साथ ताल्लुकात तोड़ देंगे। यार एक बात सोचने वाली है कि हम किसी का सफ़ीर निकालें उन मुल्कों को और उन मुल्क की अवाम को या उन मुल्क की रियासतों को इतनी गैरत आ जाए कि वो हमसे ताल्लुकात तोड़ दें, तो उन्होंने तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। हम में अभी तक वो बात नहीं आई, वो ईमान का जज्बा नहीं आया कि हम उनके सफीर को यहाँ से निकाल सकें इस डर से कि वो आगे से ये कर देंगे, वो बेखौफ हैं कि आप आगे से कुछ नहीं करेंगे। अफसोस कि वो आपके बारे में क्या रवैया रखते हैं कि आपके नबी के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करें, उन्हें इस हद तक यकीन हो गया है कि ये उम्मत वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो हुजूर की उम्मत तो हुजूर से आज भी प्यार करती है, उन्हें आपके बारे में कितनी गलत फहमी है, आपके हुक्मरानों के बारे में कितनी बड़ी एक यकीन हो चुका है कि हम जो भी करेंगे इनको कोई असर नहीं होगा और आपके हुक्मरान इस बात से डर रहे हैं कि हम एक सफीर को निकाल देंगे तो वो हमारे साथ तजारती ताल्लुकात मुनक्कत कर देंगे। आपने अभी तक कहा था कि फ्रांस की मसनूआत का बायकॉट किया जाएगा, आपने वो भी नहीं किया। आप सिर्फ इज्जत से यहाँ से सफीर को रवाना करेंगे जहाज पे बिठाकर तो वो आपके साथ ये हाल करेंगे। आपका ईमान कहाँ है, आपका इश्क रसूल कहाँ है, जब आप टेबल पर बैठते हैं हमारे साथ इश्क रसूल के बड़े बड़े दावे करते हैं, सारी बातें करते हैं, कहाँ है वो इश्क रसूल, किसके सामने रोएं ये बात, किसको कहें जाकर कि यार वो तो एक सफीर के निकालने पर इनसे तजारती ताल्लुकात मुनक़त करने पर तैयार हैं और ये कहते हैं हमें नुकसान हो जाएगा और वो हुजूर की नामूस पर हमला करके इस कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी करके इस यकीन से बैठे हैं कि ये ऊपर बैठे हैं ये सफीर निकालेंगे नहीं, ये हमें कोई मुस्बत और मजबूत जवाब नहीं देंगे। ये कहते हैं आए जी हम आपको बड़ी पिक्चर में ले जाते हैं, बड़ी पिक्चर तो हमारे कायद बता कर गए हैं, उनका इलाज ये था कि उनके साथ जिहाद का ऐलान किया जाए। हमारे कायद ने कहा था हम छोटा मुतालबा कर रहे हैं, बड़ा मुतालबा तो हमारा ये था कि इनके साथ जिहाद का ऐलान करो, लेकिन आप तो छोटी पिक्चर में भी नाकाम हो गए और बिल्कुल नाकाम हो गए, चारों शानों से चित हो गए। आप सोचें कि हमने जिनको मुसल्लत करके अपने मुल्क के ऊपर रखा हुआ है और उनके बारे में कुफर को कितना यकीन है कि ये हमारे वफादार हैं, अपने आका मौला के वफादार नहीं है। अगर हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार होते तो क्या ये सिर्फ तहरीक लबैक के कहने पर और उसके एहतजाज करने पर सफीर की बात करते, बल्कि हम तो घरों में बैठे होते, ये पहले ये काम कर चुके होते। हमारा इनसे मुतालबा अगला होता कि यार इनके साथ कोई अमली इकदाम करो, इनका नातका बंद करो, इनके साथ कोई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वाला काम करो, कोई सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी वाला काम करो, कोई अहमद शाह अब्दाली वाला काम करो,
कोई जनाब महमूद गजनवी वाला काम करो, लेकिन हम तो उससे नीचे वाले मुतालबे पर भी ये इतने गैर संजीदा कि सोचा भी नहीं जा सकता। मेरे रब ने ये दुनिया बनाई अपने हबीब के नाम पर है, और उनके साथ वफा कर कर तो देखो, आज के बाद आपने ये फैसला करना है कि हम क्या चाहते हैं, कि मरने के बाद हमारा चेहरा भी हजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के तरह चमके, और उनकी पसंद ये थी और उनका मुतालबा ये था और उनकी ख्वाहिश ये थी कि रियासती सतह पर जवाब हो। यही कहते थे ना कि उन्होंने हमारे आका और मौला की रियासती सतह पर गुस्ताखी की है, तो जवाब भी रियासती सतह पर हो। तो आपने इस मुतालबे पर भरपूर खड़े होना है, किसी कमजोरी को दिखाए बगैर, कि हमारा मुतालबा वही है कि असम्बली में बिल को लाओ और इसको पास करके सफीर को फौरन वापस भेजो, अगर नहीं लाना बिल तो वो भी तुम्हारी मर्जी है, इस सफीर को मुल्क बदर करो। दूसरा मुतालबा यह है कि फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट किया जाए। ये हमारे सादे से सीधे सीधे मुतालबे हैं, और आपने अपना ईमान मजबूत रखना है और किसी वरगलाने वाले के बहकावे में नहीं आना, धोखे में नहीं आना, और इस वतन के बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों और माओ बहनों से ये दरख्वास्त है कि आपको ये किसी भी सतह पर, किसी भी चैनल पर, कहीं भी आकर ये इस मुआहदे के नुकसानात बताएं, इनकी बात नहीं सुननी। अगर आपके दिल में कहीं कोई ज़रा सी बात आ भी जाए ना, तो 5 मिनट का कोई क्लिप निकाल कर अमीरुल मुजाहिदीन की बात सुन लेना, और मुझे पूरा यकीन है इस वतन पाकिस्तान में रहने वाले आशकान रसूल से कि आप वो किसी बहकावे में नहीं आएंगे। और अगर कोई बात इनकी समझ ना आए और ये कोई ऐसी बातें कर दें, तो फिर आपने 5 मिनट का वो क्लिप सुनना है, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और हमें ना बुलाया जाए मीडिया पर, अगर हमारा मौकफ सुनना है तो अमीरुल मुजाहिदीन की बातें वो सुन रखें आप, वही हमारा मौकफ है, कोई तब्दील नहीं है। अगर हमारा मौकफ सुनना है तो वो जो अमीरुल मुजाहिदीन ने आखिरी तकरीर की है, वो जो फ्रांस के सफीर के बारे में बात की है, आज भी हमारा वही मौकफ है, हमारा कोई नया मौकफ नहीं है, बिल्कुल वही मौकफ है। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि लोगों में इस कदर शऊर आ चुका है कि नया पाकिस्तान, जहां लोग सिर्फ तकरीरों से मुतमइन नहीं होते, अब ये एक और नया पाकिस्तान है, जिसका वो नाम लेते थे ना, उन्होंने नया पाकिस्तान इस बात का रखा था कि हम कश्मीर प्लेट में रख कर देंगे और एक तकरीर करेंगे और कौम मुतमईन हो जाएगी, फिर हम कहेंगे जैली डिग्रियां हैं फिर पायलट्स की, और फिर एक तकरीर करेंगे फिर कौम मुतमईन हो जाएगी, फिर कराची सैलाब वाले पानी से भर जाएगा, बारिशों पानी से भर जाएगा, हम एक तकरीर करेंगे कौम मुतमईन हो जाएगी, फिर जनाब आटे का बहरान आएगा, हम एक तकरीर करेंगे कौम मुतमईन हो जाएगी। लेकिन ये जो मामला है ना नामूस रिसालत का, इससे आपकी झूठी तकरीरों से कौम मुतमईन होने वाली नहीं, आपको अमली इकदाम करने पड़ेंगे, और आपको हर सूरत अमली इकदाम करने पड़ेंगे, और आपकी इन अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी तकरीरों को कौम क्या करे, कि आप तकरीबन 2.5 साल गुजर चुके हैं, किसी एक अच्छी बात पर भी अमल नहीं हुआ, और उस एक आपकी अच्छी बात का भी कौम को कोई फायदा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ। ये अंडे मुर्गियों से चलते चलते अब हवाई जहाज भी बंद करा बैठे हैं, और उसके बाद जनाब वो F9 इस्लामाबाद में इन्होंने पार्क जिसमें बच्चे खेला करते हैं, उन पार्कों को गिरवी रखकर उसके एवज डॉलर ले रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कायद फरमाया करते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी थी बाजार मिस्र में, तो रब ने जब तक पूरी कौम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ में बेचने ना दिया था, तब तक अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं फरमाया था। आप ये देख लें कि आपके बच्चों के खेलने वाले मैदानों तक बातें आ चुकी हैं, और ये ना हो कि हम हुजूर की नामूस पर कोई मुदानत इख्तियार कर ले कौम, तो फिर आपके बच्चों के फीडरों के एवज भी ये पैसे लेने शुरू कर दें। हाँ, उस वक्त से डरें, इसलिए हम उस वक्त से डरने के लिए और उस वक्त से बचने के लिए हुजूर की नामूस पर पैरा दे रहे हैं। डरें उस वक्त से कि जब आपके बच्चे का फीडर आपके हाथ में हो और इसके इवज भी ये कुछ ले रहे हो अपनी अयाशियों के लिए। कौम को तो कुछ नहीं दिया, बिल्कुल कौम को क्या दिया है, कौम ने इस बात के ऊपर खड़े होना है। जो बातें आपसे कर रहे हैं या आपने आगे भी मिनवाने इसी तरह पहुंचानी है, और जो आपसे सवाल करे आपने इन्हीं बातों में से उनको जवाब देना है, और अपने आप को बेदार रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। और बस जो अल्लाह ताला ने अमीरुल मुजाहिदीन के जनाजे पर जो नूर की बरसात की, हम उसी के साथ खड़े हैं, और अपनी आखिरत सवारने के लिए
वजीर आजम ने अमीरुल मुजाहिदीन के साथ जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए जो भी हमें करना पड़ा, जो कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो कुछ भी करना पड़ा इंशाल्लाह उस हद तक जाएंगे। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात इनके लिए कि आप हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करके तो देखें, आज तक की नहीं आपने, आपने सारी दुनिया की सारी चीजें मानी, कोई आपको रिसर्चर आ गया, कोई आपको जनाब डॉक्टर आ गया, कोई आपको यूट्यूबर ने आके कोई बातें की और आपने वो मान ली, हमारी भी एक बात माने, अपने आका से वफा करके तो देखें, आपकी ये सीटें भी पक्की हो जाएंगी अगर आपने अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा की। और अगर आप दूसरे रास्ते की तरफ गए तो फिर ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ज्यादा देर जालिमों को ढील नहीं देता, फिर आप अपनी जो इक्तदार है ना उसमें आखिरी कील यही ठोंकेंगे कि हुजूर की नामूस से गद्दारी करेंगे और हुजूर के गुलामों के साथ वादा खिलाफी करेंगे और इन पर जुल्म की तरफ निकलेंगे, फिर देखिएगा रब आपके साथ क्या करता है। फिर वो मेरे मालिक को गवारा ही नहीं है, फिर वहां तो फिर अबू जाल को लम्हे डाल दिया जाता है, उमैया को लम्हे डाल दिया जाता है। साथ फरमाते थे ना गजवाए बदर वाले दिन उमैया को उसकी बीवी ने कहा कि ना जाना, मैंने ख्वाब देखा है तुम नहीं बचोगे। उसने कहा मैं बस ये आगे आगे पड़ाव तक जा रहा हूँ, लश्कर को रवाना करके आऊंगा। हमारे कायद फरमाते थे कि हदीस की किताबों में है फरिश्ते उसे उमैया को धक्का देते हुए ना मैदान बदर में ले आए। जब मैदान बदर में उसने गुड़ बनते देखा ना तो फिर वो भागा, फिर हजरत बिलाल ने आवाज लगाई, फरमाया जा उमैया हलका बिलाल, फरमाया जे आज उमैया बच गया ना तो बिलाल नहीं बचता। अत एक गल कर दईए तुहानू कि जे तुसा नामूसे रिसालत उत्ते गद्दारी कर दी ते तुसी भी नहीं बचते, कोई भी नहीं बचेगा। हाँ फिर तुहाडे इक्तदार शिदार कुर्सियां सारियां लबेड़ दित्तियां जाणगियां। हाँ इस वास्ते अपने आका मौला नाल वफा करो, साडे कोलो कोई अच्छे अल्फाज की तवक्को रख दियो, साडे कोलो कोई अच्छी अच्छाई की उम्मीद रख दियो, इन्हां पाकिस्तानियों कोलो हजूर दे आशकां कोलो कोई अच्छाई की उम्मीद रख दियो ते हजूर नाल वफा करो। यारा ये तुहाडा हक बनता, जिन्होंने इन्हां वोट दिते वह भी तो जाओ ना हुण, सिर्फ नालियां वास्ते वोट दिते सन, ना तब्दीली आई, ना नालियां बनिया, ना रोड बने, ना जनाब गवर्नर हाउस स्कूल बने, ना ऐवान सदर जनाब वो बने, मज्जा कटे वेच के दोबारा नवीं गड्डियां खरीद लिया गई, पुरानियां वेच के। ये तो एक इतनी दास्तान है परेशानी की जिसन बंदा बयान करद्या भी शर्मिंदा होंदा कि अपने जिसम तो ही कपड़े लाने, ना मुल्क तो साडा मुड़ के, इन्हों का तो नहीं, इन्होंने तो जनाब इतने लुटना तो फिर बाहर जाके बह जाना। बैठे नहीं होए पहले भी देखो, बैठे नहीं होए लुट के, और इन्हें भी इसे तरह करना इन्हें लुट के। हुण तुहाडे कोल आखिरी मौका कि तुसी हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस दे उत्ते खड़े हो जाओ, पहरा दियो, ते तुसी फिर इंशाल्लाह देखो तुहाडे वास्ते बारां लगदियां, ए कुर्सियां शायद कोई नहीं पक्कियां तुहाडियां मोहरां लग जाणगियां, तुसी हजूर दे नाल वफा करो, फिर ये कौम भी तुहाडे नाल वफादार हो जाएगी कि अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल वफादारी करो। उम्मीद है कि जो मैंने बातें आपसे की हैं वो बातें आप अपने दिल की खिड़कियों खोल के सुनी होंगी और यही बातें आप कौम तक पैगाम पहुंचाएंगे कि हमने किसी के बहकावे में नहीं आना। हाँ कोई कहे कि हम दरमियानी रास्ता निकालेंगे, बाबा यही दरमियानी है जो आपको बताया है, इंतहा वाला रास्ता हमारे कायद हमें बता के गए हैं जो आपने करना था। आप सब कुछ दे चुके हैं, इज्जत तो ना दें, नामूस रिसालत पर सौदा तो ना करें, और अगर आप इस पर पैरा दे गए इंशाल्लाह ये सारी चीजें वापस लौट आएंगी, क्योंकि हमारे कायद हमें सबक पढ़ा कर गए हैं कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, वो दामन मुस्तफ़ा थाम लें, सारी कौम थाम लें और हमारे जिम्मेदारान भी थाम लें, हुक्मरान भी थाम लें कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन, मेरे पाँव चूमती थी यही गर्दश ज़माना।